बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इंटरव्यू कोचिंग क्लास के हवाले से आपको कुछ नया बताता चलूं कि अपने सीक्वेंस से हटकर आज हम सब कॉन्टिनेंट या बरे सगीर के हवाले से पढ़ेंगे। इरादा तो मेरा ये था कि सीक्वेंस वाइज इंटरव्यू कोचिंग क्लास हो, जिसमें सबसे पहले हमने अंबिया इकराम के सिलसिले को जारी रखा, जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद सीरत से स्टार्ट ली, सीरत को चलाते रहे, लेकिन बाद में यूट्यूब पर अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स और अपने स्टूडेंट के इस्तदा को देखते हुए, उनकी ख्वाहिश को देखते हुए आज हम सीरत को उसी जगह पर रोक लेते हैं। आज हम बरसगीर को पढ़ेंगे। ज़्यादातर कमेंट्स में स्टूडेंट की ये इस्तदा थी, उनकी ख्वाहिश थी कि इस्लामियात के साथ साथ पाक स्टडी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, इनको भी साथ साथ चलाया जाए। तो स्टूडेंट्स के इस ख्वाहिश को देखते हुए आज सब कॉन्टिनेंट या बरसगीर की हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर्स को साथ साथ चलाएंगे, यानी उसमें इस्लामियात, करंट अफेयर्स, साइंस, स्पोर्ट्स और इंटरव्यूज में जो मौजूद ज़्यादा टच किए जाते हैं, इनको साथ साथ चलाएंगे। अभी सीक्वेंस वाइज हम नहीं चलाएंगे, बल्कि आपसे कमेंट सेक्शन में मज़ीद भी कमेंट्स की मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि आप कमेंट्स करें, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर, हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर्स, तलबा और जनरल कारीन जो है, जो जनरल व्यूवर्स हैं, उनके लिए भी मुफीद साबित हो। तो कमेंट सेक्शन में आकर आप अपने कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह हर कमेंट्स का आपको बकायदा जवाब दूंगा। तो आज पढ़ेंगे सब कॉन्टिनेंट के हवाले से। मेरी किताब जो बकायदा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू के हवाले से रिकमेंडेड है, आप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का साइट देखें, उसमें इंटरव्यू के हवाले से आप सर्च करें, उसमें आपको मालूमात आलम और बलूचिस्तान बकायदा रिकमेंडेड किताब वहां पर आपको नज़र आएगी कि ये किताब बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू जो है, जिस भी पोस्ट के लिए हो, उसके लिए इस किताब को रिकमेंडेड करार दिया गया है। तो इस किताब में बकायदा बरसगीर पाको हिंद या सब कॉन्टिनेंट का पोर्शन है, उसको हम पढ़ेंगे। कुछ किताब के हवाले से, कुछ जनरल। तो आप आने वाले जो लेक्चर्स हैं, आने वाले जो क्लासेस हैं, इसको छोड़ना मत भूलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं सब कॉन्टिनेंट। आपसे पूछा जाता है दुनिया में कितने बर आज़म है, दुनिया में बर आज़म, दुनिया में बर आज़म 7 है। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, बर आज़म। सबसे पहले बर क्या होता है, बर खुश्की के एक बहुत बड़े टुकड़े को, यहाँ पर हमारे पास थ्रू आउट द ग्लोब, ये जो आपका ग्लोब है, जो आपकी दुनिया का नक्शा है, इसमें यहाँ पर 71 समथिंग ये पानी है और 29% जो हिस्सा है वो खुश्की का है, 29% हिस्सा खुश्की और 71% पानी। इस 29% खुश्की के एरिए में 7 बराज़म बने हुए हैं, 7 बर आज़म है। बर, व्हाट इज़ बर, खुश्की के एक बहुत बड़े टुकड़े को बर कहा जाता है, खुश्की के एक बहुत बड़े टुकड़े को बर कहा जाता है। इस तरह के बर या इस तरह के कॉन्टिनेंट अंग्रेज़ी में ये 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। तो बर सगीर के हवाले से आपको समझाना मकसूद है, दुनिया में खुश्की के बड़े बड़े टुकड़े 7 हैं, 7 कॉन्टिनेंट या 7 बर आज़मों में दुनिया को तकसीम किया गया है। इसमें हमारा एशिया, जिसमें हम आबाद हैं, एशिया को एक बराज़म कहा जाता है, एशिया। इस एशिया में एक छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का,
एक खुश्की का छोटा सा टुकड़ा है उसको भी कॉन्टिनेंट कहा जाता है, लेकिन छोटा कॉन्टिनेंट। ये बर हैं, बड़े टुकड़े हैं, आजम यानी बर टुकड़ा जमीन का, आजम बड़ा टुकड़ा, इस तरह के सात बड़े टुकड़े। जबकि एशिया में ज्योग्राफिकली एक टुकड़ा इस तरह पड़ा हुआ है जिस पर सात ममालिक आबाद हैं, जिसको सार कंट्री कहा जाता है, सार्क। इसके हवाले से भी आपसे कमीशन में सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट सार्क, व्हाट इज द एब्रेवेशन ऑफ सार्क। ये सार्क या सब कॉन्टिनेंट एक चीज है, सार्क या सब कॉन्टिनेंट ये एक चीज है, बरे सगीर या सार्क। सार्क क्या है? सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। बर सगीर के इन सात ममालिक ने बाकायदा मिलकर एक एसोसिएशन तरतीब दी है जिसको सार्क कहा जाता है। इसमें एक स्टेट, एक मुल्क अफगानिस्तान बतौर मुबसर शामिल है, इस सार्क का हिस्सा नहीं है लेकिन बतौर मुबसर इसको शामिल किया गया है। अलबत्ता आप आजकल इसको सार्क का मेंबर कह सकते हैं। तो बरे सगीर ज्योग्राफिकली एशिया के बराजम में खुश्की का एक ऐसा टुकड़ा आबाद है जो एक जोग्राफियाई हैसियत से एक छोटा सा बरे बर है, इसलिए इसको बरे आजम या खुश्की के बड़े टुकड़े के बरे खिलाफ मुतजाद इसको बरे सगीर कहा जाता है। सगीर कहते हैं छोटे को, सगीर कहते हैं छोटे को, और बड़े को आजम कहते हैं। आजम के मुकाबले में ये छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए इसको बड़े सगीर या कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा करार दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़े सगीर में, बड़े सगीर की तारीख में यहाँ पर एक कौम आबाद है जिसको हिंदू कहा जाता है। हजारों साल से बड़े सगीर यहाँ पर एक कौम आबाद है। इस कौम के हवाले से कमीशन में आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला सवाल कि लफ्ज़ हिंदू के क्या मानी है, हिंदू के मानी क्या है। आप ज़्यादा डिक्शनरीज को देखे, लुगत को देखे, जहाँ तक मैंने तहकीक की है, जहाँ तक मैंने ढूंढा है, हिंदू के मानी है काला। हिंदू के मानी काला है। यहाँ पर आर्यंस या जो पुराने फ़ारस का इलाका था, इन लोगों ने या आर्यंस ने इन काले लोगों को, जहाँ पर सूरज की तपिश नहायत ज़्यादा पड़ती है, सूरज की तपिश की वजह से ये लोग काले पड़ गए थे, इन कालों के लिए, इन ब्लैक्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी आसपास के उनके हमसायों ने यानी फ़ारस वालों ने और आर्यंस ने जो यहाँ पर उनके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की वो क्या है, वो है हिंदू। और हिंदू क्या माने हैं काला, आप इसको इस सवाल के जवाब में बता सकते हैं। बड़े सगीर के हवाले से जो सवालात होते हैं, सबसे पहला जो टेक्निकल सवाल कमीशन में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, बड़े सगीर में सबसे पहला मुसलमान कब वारिद हुआ, मुसलमानों ने बड़े सगीर पर सबसे पहला कदम कब और किसकी क़यादत में रखा। तो आपने यहाँ पर बताना है 712, यहाँ पर मैंने लिखा है 712 AD के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट AD कैलेंडर, और AD एब्रिवेशन किस चीज़ का है। इट इज़ कंपोज अपॉन टू वर्ड्स, ये क्या है, NONONDOMMNI, एनो डोमिनी। व्हाट डू यू नो अबाउट एनो डोमिनी, इट इज़ कंपोज अपॉन टू ग्रीक वर्ड्स, एनो एंड डोमिनी। एनो डोमिनी के क्या मानी है और ये कौन सा कैलेंडर है, ये है एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे आका का साल। कौन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं। एनो ए डी
यानी हमारा आका कौन है, हमारा आका ईसा अलैहिस्सलाम है जिसको वो क्रिस्ट कहते हैं, क्रिस्ट। जिस साल हमारे आका ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इस साल को ग्रीक ने, जो ईसाई थे उन्होंने कहा इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, या ग्रीक में एनो डोमिनी। इसलिए आपने इंटरव्यू में बताना है कि एडी के मानी है ग्रीक में एनो डोमिनी, उसको हम अंग्रेजी या उर्दू में चेंज करते हैं तो इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, या उर्दू में मेलादी, मेलादी साल, मौलूदी, जिस साल तौलद हुए, मौलद हुए, पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम, उस वक्त से लेकर आज तक 2022 साल हो चुके हैं। तो मुसलमानों ने इस कैलेंडर के तहत या इस कैलेंडर को मद्दनज़र रखे किस साल बरसगीर में बकायदा कदम रखा, आपने बताना है 712 AD किसकी क़ियादत में, मोहम्मद बिन कासिम की क़ियादत में, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से आपके कमीशन बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक नया टेक्निकल सवाल हुआ। स्टूडेंट जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वो नहायत घबराए हुए होते हैं, हेजिटेट होते हैं। इस हेजिटेशन की वजह से वो कभी कभार दुरुस्त सवाल का गलत जवाब दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ठंडे हो जाइए, हेजिटेशन फील ना करें, हम आपसे एक सवाल करते हैं। सबसे पहले ये बताएँ कि बरसगीर में मोहम्मद बिन कासिम एक मशहूर शख्सियत है, इनकी क़ियादत में मुसलमानों ने बरसगीर में सबसे पहले कदम रखा। अच्छा आप ये बताएं मोहम्मद बिन कासिम के वालिद का क्या नाम था। तो स्टूडेंट हका बका रह गया, तो उन्होंने कहा सर सॉरी। उन्होंने कमीशन के मेंबर ने फिर कहा भाई आप बताएं मोहम्मद बिन कासिम के वालिद का क्या नाम था, ये नहायत आसान सवाल है, ये तो हम पाँचवीं छठी में भी पढ़ते हैं। तो फिर वो स्टूडेंट कुछ हका बका रहा, पाँच मिनट तक, चार मिनट तक सोचता रहा। तो फिर उन्होंने कहा सर सॉरी, हालांकि वो मेंबर बता रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम, यानी कुनियत यहाँ पर वाजे है कि ये कासिम का बेटा है। किसका बेटा है? कासिम का। मैं आपको, आप एक एक्सपेरिमेंट करें, आप एक तजर्बा करें, आज जाकर अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्त को बताएं कि एक सवाल है मेरे पास, इसका जवाब मुझे मालूम नहीं है और मैंने काफ़ी किताबें भी तलाश की है, ये जो बरसगीर में मुसलमान जिसकी क़ियादत में आए मोहम्मद बिन कासिम, इसके वालिद का क्या नाम था। तो आपका दोस्त हक्का बक्का रह जाएगा, वो कहेगा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम के वालिद का नाम मुझे मालूम नहीं। आप उसको फिर कोई चांस दे दें कि आप एक मिनट बाद बताएं, लेकिन वो फिर भी, ये चूंकि इस तरह के टेक्निकल सवाल कमीशन में होते हैं, आपके नफ्सियात को भी देखा जाता है कि आप गौर और तदब्बुर कितना करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंटली आप यहाँ पर मेंटली भी प्रेजेंट है या सिर्फ यहाँ पर आपकी बॉडी उस कुर्सी पर मौजूद है। तो आप वहाँ पर नहायत गौर और तदब्बुर के साथ, फिक्र के साथ, बॉडीली और मेंटली दोनों आपको वहाँ होना चाहिए। तो खैर ये तो एक मैंने वो टेक्निक के हवाले से बताया कि कमीशन में इस तरह के टेक्निकल सवाल भी आपके जो माहिर नफ्सियात बैठे होते हैं वो करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले यहाँ पर लैंड किया या कदम रखा। मुसलमानों ने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की क़ियादत में इस सरजमीन पर कदम रखा। सवाल ये पूछा जाता है बरसगीर पर, सब कॉन्टिनेंट पर हमला करते हुए या कदम रखते हुए मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी थी। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 साल थी, 17 ईयर्स। तो आप देखें, आपको मोटिवेशन मिल जाएगी कि हमारे मुसलमानों ने, हमारे मुसलमान नौजवानों ने क्या खरहाए नमाया सर अंजाम दिए 17 साल की उम्र में, और बरसगीर को फतह किया, बरसगीर को फतह किया और एक बहुत बड़े फौज की क़ियादत की। मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से पूछा जाता है मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, इनका ताल्लुक किस कबीले से था और ये किस मशहूर शख्सियत के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल के थे, इनका ताल्लुक कबीले बनू सकीफ के साथ था, कबीला बनू सकीफ। ये वो कबीला है जो ताइफ में आबाद था, ताइफ का मशहूर कबीला था, जिसको हजूर सल्लम ने अपनी नबूवत के दिनों में, नबूवत के दिनों में हजूर सल्लम ने जो तबलीग के लिए ताइफ चले गए, वहाँ पर कबीला बनू सकीफ को दावत दी। ये आप वाकया नोट करें, लेकिन उन्होंने हजूर सल्लम के पैगाम को तस्लीम नहीं किया, हजूर सल्लम की दावत को नहीं माना, जिसकी वजह से हजूर सल्लम ने नहायत
परेशान हुए, रंजिदा हुए, वापसी पर जालिमों ने आपके पीछे बच्चों को, लड़कों को आपके पीछे नारे कसना, सीटियां बजाना, और उसके अलावा लड़कों ने, ताइफ के लड़कों ने आपको पत्थर मारे। एक जगह आकर आपने जब पना ली तो फरिश्ते हाजिर हुए, पहाड़ों का फरिश्ता भी हाजिर हुआ, और अल्लाह ताला का पैगाम लेकर कि अगर आप चाहें तो ताइफ चूंकि दो पहाड़ों के दरमियान पड़ा हुआ है, हम ताइफ को क्रैश कर देंगे, हम ताइफ को तबाह व बर्बाद कर देंगे। लेकिन हजूर सलम ने क्या फरमाया? हजूर सलम ने फरमाया, नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ। आप बरसगीर को देखें, इस वाक्य का डायरेक्ट ताल्लुक बरसगीर के साथ है। तो हजूर सलम फरमाया, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ, मैं बदुआ नहीं करता। अगर आज इन्होंने मेरी दावत को कबूल नहीं किया, आने वाले दिनों में हो सकता है इनके बच्चों में, इनके नस्ल में इस तरह के लोग हों जो इस्लाम की खिदमत करें। तो फिर तारीख आप देखें, आप तारीख देखें, नहायत मुख्तसर अरसे में 100 साल के अंदर अंदर यहाँ पर कौन पैदा हुआ? यहाँ पर ताइफ में इसी नस्ल में मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुआ, जिसने बरसगीर में इस्लाम का झंडा बुलंद किया। तो खैर, आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक कबीले बनु सकीब के साथ था, बनु सकीब ताइफ में आबाद थे, और इस शख्सियत का ताल्लुक, मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक एक मशहूर शख्सियत हुजाज बिन यूसुफ के साथ था। ये हुजाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। हुजाज बिन यूसुफ ने ताइफ को फतह करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया। तो आपने बताना है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की क़ियादत में मुसलमानों ने सिंध पर सबसे पहला हमला किया, उसके बाद मुल्तान तक चले गए। यानी बरसगीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने क्या किया? इन्होंने फतह किया। उसके बाद बरसगीर की तारीख के हवाले से जो सवाल पूछा जाता है, वो ये सवाल पूछा जाता है कि 712 ईस्वी, कभी कभार वो सवाल करते हैं कि 712 ईस्वी एक अहम तारीख है, एक अहम साल है, इस साल कौन सा वाकया हुआ? आपने ये बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और यहाँ पर इस्लाम का झंडा बुलंद किया और यहाँ पर सबसे पहली मस्जिद कायम की। बरसगीर में सबसे पहली मस्जिद 712 में कायम की गई। अच्छा, वो सवाल करते हैं 977 का क्या ताल्लुक है, 977 AD का बरसगीर के साथ क्या ताल्लुक है? तो आपने ये बताना है कि 977 AD को गजनी में, कहाँ पर? गजनी और बरसगीर का डायरेक्ट ताल्लुक है, तारीख में बहुत बड़ा ताल्लुक है। गजनवी ने जो हमले किए, 17 हमले किए, इस्लाम का यहाँ पर खूब चर्चा हुआ। तो 977 ईस्वी को सुल्तान महमूद गजनवी, इसमें दो सवाल छुपे हैं, महमूद गजनवी के वालिद का क्या नाम था, या महमूद गजनवी के वालिद 977 ईस्वी को तख्त नशीन हुए? महमूद गजनवी के वालिद का नाम सुबकतुगिन था, सुबकतुगिन 977 ईस्वी को तख्त नशीन हुए। इसमें दो सवाल आ जाते हैं, एक मोहम्मद गजनवी के वालिद का नाम आपको पता चला, और दूसरे 977 में जो बड़ा वाकया हुआ उसमें तख्त नशीनी हुई किसकी? सुबकतुगिन की। और सुबकतुगिन का क्या ताल्लुक है बरसगीर के साथ? इन्होंने सबसे पहले अपने लश्करों का रुख बरसगीर की तरफ मोड़ दिया। ये दो सवाल होते हैं। अच्छा, 998 AD में महमूद गजनवी तख्त नशीन हुए, 998 AD में महमूद गजनवी तख्त नशीन हुए, और कहाँ के हुकमरान बने? गजनी के हुकमरान बने। ये वो महमूद गजनवी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 17 हमले किए। कितने हमले किए? 17 हमले महमूद गजनवी ने किए। अच्छा, महमूद गजनवी के हवाले से वो ये सवाल करते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी में महमूद गजनवी, जो एक अहम पर्सनलिटी है इस्लाम के, इसके साथ एक शख्स को जोड़ा है, और वो शख्स महमूद गजनवी का गुलाम है। आप उस गुलाम का नाम बताएं जो नहायत सगेसिटी, नहायत सगेशियस और नहायत अकलमंद और दाना गुलाम थे महमूद के साथ, उसका जिक्र बार बार, वो कौन से गुलाम हैं? तो आपने उसका नाम बताना है अयास। महमूद के अकलमंद और सगेशियस गुलाम का नाम क्या था? अयास था, जिसका
इकबाल ने जिक्र किया। कभी कभार कहते हैं कि भाई वो शेर सुनाए जिसमें अल्लामा इकबाल महमूद के साथ उस गुलाम का जिक्र करते हैं। तो क्या करते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंद रहा न कोई बंद नवाज। यहां पर 1001 एडवी के हवाले से 1001 यानी पहले आजारिये का पहला साल, इसमें सवाल इस तरह होता है, पहले आजारिये के पहले साल कौन सा अहम वाकया हुआ हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े राजा जयपाल, कौन? जयपाल को महमूद गजनवी ने शिकस्त दी। इस शिकस्त की वजह से, जयपाल की शिकस्त की वजह से बरसगीर के दरवाजे पर मुसलमानों ने दस्तक दी। बरसगीर को कौन से दरवाजे पर? बरसगीर के उस दरवाजे पर जहां के बाद फिर हिंदुओं की बड़ी आबादियां थी। जयपाल को शिकस्त हुई महमूद गजनवी के हमले की वजह से, मुसलमानों ने बरसगीर के दरवाजे पर नाक किया। सवाल ये पूछा जाता है 1008 या 1008 ईस्वी में बरसगीर की तारीख में दूसरा कौन सा बड़ा और अहम वाकया हुआ? वो वाकया क्या था? पूरे मुतहिदा हिंदुस्तान के रियासतों के बादशाह या वाली या गवर्नर आनंद पाल को महमूद गजनवी के पेदर पे हमलों के वजह से शिकस्त हुई, जिसकी वजह से मुसलमानों को, यानी इस साल को आपने क्या बताना है कि मुसलमानों को अपने कदम मजबूत करने का मौका मिला हिंदुस्तान में। बरसगीर की तारीख के हवाले से ये साल नहायत कीमती साल है। ये वो साल है जिसमें ये सवाल नहायत टेक्निकल है। कभी कभार ये होता है कि सवाल पूछने वाला आपसे पूछता है कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ, सबसे पहले सोमनाथ देखिए। तारीख बरसगीर में, तारीख हिंदुस्तान में हिंदुओं का सबसे बड़ा बुतखाना, हिंदुओं का सबसे बड़ा बुत, हिंदुओं के खजानों का सबसे बड़ा मरकज, वो क्या था? वो हिंदुस्तान में सोमनाथ का मकाम था। तो आपसे ये सवाल मुख्तलिफ टेक्निक के हवाले से, मुख्तलिफ पहलुओं से हो सकता है। वो क्या है? सोमनाथ क्या था? सोमनाथ हिंदुओं का सबसे बड़ा बुत था। सोमनाथ हिंदुओं की ट्रेजरी या खजानों का सबसे बड़ा मरकज था। सोमनाथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बुतखाना था। सोमनाथ को किसने फतह किया, या सोमनाथ का बुत या सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने तोड़ा। अपने पे दर पे 17 हमले किस वजह से किए? ताकि हिंदुओं के इस मुकदस मरकज को, हिंदुओं ने इस मरकज के हवाले से क्या किया था? ये कसम खाई थी अपने गीता पर, अपने राम के साथ, के मुसलमानों या अफगानों के लिए कतन इस मरकज को करने नहीं देंगे। लेकिन जब यह मरकज फतह हुआ, गोया मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर दिया। मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर कब कब्जा किया? 1024। वजह क्या थी? सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया, सोमनाथ पर मुसलमानों का कब्जा हुआ। जब सोमनाथ पर मुसलमानों का कब्जा हुआ, यह सबसे पीक पॉइंट था, यह सबसे मरकजी नुक्ता था हिंदुस्तान की सियासी तारीख का, हिंदुस्तान की जुग्राफियाई तारीख का। इसलिए हिंदुस्तान का मंदिर सोमनाथ महमूद गजनवी ने तोड़ा। इसके हवाले से आपके इलम में एक वाकया लाना चाहूँगा। जब मुसलमानों की फौजें, जब महमूद गजनवी की फौजें सोमनाथ के दरवाज़ों पर पहुँची, तो हिंदुओं ने एक वफद बनाकर महमूद गजनवी को पेशकश की कि अगर आप सोमनाथ को नहीं तोड़ेंगे, अगर आप सोमनाथ में तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, अगर आप हमारे इस मजहबी मरकज़ को कुछ नहीं कहेंगे, तो हम आपकी खिदमत में हज़ारों टन सोना पेश करेंगे। तो महमूद ने अपनी कमेटी का इजलास बुलाया, अपनी काबीना का, अपनी मुशीरों का। मुशीरों से उन्होंने क्या किया? मुशीरों से उन्होंने मशवरा तलब किया कि क्या करना चाहिए, सोना तस्लीम करना चाहिए, सोमनाथ पर हमलावर हो। तो ज़्यादातर मुशीरों ने यह मशवरा दिया, जिस तरह मुशीर मशवरा देते हैं, कि सोना ले जाना चाहिए, सोना तस्लीम करना चाहिए, सोना कबूल करना चाहिए। लेकिन कुछ मुशीरों ने, कुछ संजीदा मुशीरों ने,
कुछ सेगेशियस मशीरों ने या खुद महमूद गजनवी ने यह फैसला किया कि सुन लो तारीख में ये लिखा जाएगा कि महमूद बुत फरोश वाकिया हुआ, उसने सोमनाथ में जो बुत रखे हुए थे उनको बेच दिया। मैं तारीख में बुत फरोश बनना पसंद नहीं करता, बल्कि मैं बुत शिकन बनना पसंद करता हूँ। तारीख में दो बुत शिकन नियत मशहूर हैं, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक या पुराने बाबल के एक बहुत बड़े बुतखाने कालडिया, ये भी बहुत बड़ा बुतखाना था तारीख का कालडिया, ये भी आप याद रखिए। इस्लामियात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कालडिया के बुतखाने को तोड़ा, कालडिया में सब बुतों को तोड़ फोड़ की, नमरूद के बुतों को, और महमूद गजनवी ने सोमनात के बुतों को तोड़ने का इरादा किया और तारीख में बुत शिकन मशहूर हुए। फिर तारीख ने लिखा कि जब सोमनात पर मुसलमानों का कब्जा हुआ, जितने सोना देने का हिंदुओं ने पेशकश की थी उससे सैकड़ों मरतबा ज़्यादा सोना और हीरे जवाहरात मुसलमानों के हाथ आए। तो फिर महमूद ने अपने मुशीरों को बुलाया कि हम क्या हुए, हम अल्लाह के दरबार में भी सुरखरू हुए और हमें दुनिया भी मिली, हम तारीख में बुत शिकन भी मशहूर हुए और हमें वो चीज़ें भी मिली। तो हमेशा फैसला मज़हब की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, उसूलों की बुनियाद पर करना चाहिए। तो यहाँ पर खैर आपको बताता चलूँ, ये साल 10-24 या 1024 मुसलमानों ने सोमनाथ पर कब्ज़ा कर दिया, मुसलमानों ने सोमनाथ पर कब्ज़ा किया, या सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया, या मुसलमानों के हिंदुओं के मरकज़ी मकाम सोमनाथ पर कब्ज़ा हुआ, जिसकी वजह से मुसलमान बरसगीर पर गोया काबिज हुए। तारीख बरसगीर के हवाले से 1030 क्यों मशहूर है, 1030 में क्या वाकया हुआ, 1030 में महमूद गजनवी फोत हुए, महमूद गजनवी की वफात हुई, महमूद गजनवी की डेथ हुई। तो ये तारीख में मशहूर है। इसके अलावा बाद के भी काफ़ी वाकयात हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में नहीं पूछे जाते, ना उनकी इतनी ज़्यादा, जो आपके मेंबर्स हजरत बैठे होते हैं वो भी जनरल स्टडी करते हैं, वो भी जनरल इंसान होते हैं, तो तारीख के हवाले से, डेट्स के हवाले से उनको ज़्यादा पता नहीं होता है। तो मैंने वो डेट्स यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है जो ज़्यादा रिपीटेड हैं, जो बार बार किए जाते हैं। इसमें एक 1206 के हवाले से सवाल होता है, 1206 ये तारीख या बाकायदा एक मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई, बरसगीर में एक बाकायदा मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई, तो आपने बताना है 1206 को, 712 को नहीं, 977 को नहीं, 1030 को नहीं, बल्कि 1206 को। वजह क्या है, वजह यह है कि महमूद गजनवी तो गजनी का हुक्मरान है, यहाँ पर 17 हमले करके वापस गजनी चला गया, इन इलाकों की इसी तरह छोड़ा, किसी वाली के, किसी गवर्नर के हवाले किए, लेकिन बरसगीर में बाकायदा मुस्लिम सल्तनत, मुस्लिम हुक्मरानी की बुनियाद कब पड़ी, वो तारीख क्या है, वो तारीख है 1206। एक सवाल। दूसरा सवाल क्या है, बरसगीर में ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत, ख़ानदान ग़ुलामा या द स्लेव डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, मुस्लिम ग़ुलामों की हुकूमत तो किसने रखी, 1206 में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ये मुसलमान नौजवान, ये ग़ुलाम था, ये ग़ुलाम नौजवान है, लेकिन अपनी ग़ुलामी में इतना टैलेंटेड था, इतना टैलेंट था उसमें, कि बरसगीर में बाकायदा मुस्लिम सल्तनत की इन्होंने बुनियाद रखी। इसके हवाले से काफ़ी सवाल किए जाते हैं, एक सवाल ये किया जाता है कि ऐबक किस ज़बान का लफ्ज़, आपने बताना है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़, क्योंकि ये ख़ुद तुर्क था। ऐबक तुर्की ज़बान का लफ्ज़, ऐबक के क्या मानी है, ऐबक के मानी है छः उंगलियों वाला, छः उंगलियों वाला। हमारे हाथों में, जनरल इंसानों के हाथों में 5 उंगलियां होती है, लेकिन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के एक हाथ में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा उंगली ज़्यादा थी। बाज़ लोगों ने को आपने देखा होता है कि यहाँ पर एक छोटी उंगली और भी होती है। जिस शख्स के हाथों में 6 उंगलियां हो उस शख्स को तुर्की ज़बान में ऐबक कहा जाता है, इसलिए सुल्तान कुतुबुद्दीन के हाथ में 6 उंगलियां थी, इसलिए तुर्की ज़बान में ऐबक या तारीख में वो ऐबक मशहूर हुए। तो
तो सुल्तान कुतुबुद्दीन के हवाले से आता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका इंतकाल किस तरह हुआ या किस तरह फोत हुए तारीख़ बरसगीर में, ये वो बादशाह है जो घोड़े पर एक केल, एक तुर्की केल, चोगान खेलते हुए, चोगान चोगान खेलते हुए गिर गए, जख्मों की ताब न लाते हुए सुल्तान फोत हुए। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले से आता है कि इन्होंने बरसगीर में, बरसगीर में एक अलहदा फील्ड है या सब कॉन्टिनेंट में वो फील्ड तामीरात का है, ताजमहल इसने तामीर किया, बादशाही मस्जिद या शाही किला, के कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या तामीर किया, तामीरात के हवाले से कुतुबुद्दीन का नाम किस वजह से रोशन है। इन्होंने दिल्ली में मुसलमानों के पाया तख्त या कैपिटल दिल्ली में इन्होंने कुतुब मीनार तामीर किया, कुतुब मीनार दिल्ली जो आज तक कायम है। उसके अलावा इनके हवाले से पूछा जाता है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार कहाँ वाक़िया है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार लाहौर में ऐबक रोड पर वाक़िया है। मैं बज़ाते ख़ुद हर साल बकायदा सुल्तान कुतुब उर्दू बाज़ार के करीब ऐबक रोड, छोटा सा ऐबक रोड है, मैं वहाँ पर जाता हूँ और उनके लिए बाकायदा दुआ करता हूँ कि सुल्तान की वजह से एक बाकायदा मुस्लिम सल्तनत की वहाँ पर दागबेल डाली गई। अलामा इकबाल फरमाते हैं अपने शायरी में कि मैं भी जब तक जाता हूँ तो मैं ऐबक रोड पर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार पर जाता हूँ, और वो एक नक्शा खींचते हैं अपनी शायरी में कि मैं शेर के पुरसोज हंगामों से उगता आकर यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ, नज़र आता है मुझको सुर्ख रो होना शहीदों का। बाकायदा एक शायरी में ऐबक के मज़ार की एक नक्शा खींचा है अलामा इकबाल ने। तो आपने बताना है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार लाहौर में ऐबक रोड पर वाक़िया है। तारीख़ बरसग़ीर को सिक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, आप दरमियान में लेक्चर एब्सेंट ना करें, लेक्चर बाकायदगी से देखते रहें ताकि इस्लामियात के साथ साथ सब कॉन्टिनेंट, जनरल जो करंट अफेयर है और आपके स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन, आपके दीगर इंटरव्यू से रिलेटेड, इंशाल्लाह उसी वक्त जब इंटरव्यू शुरू होंगे तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन के हवाले से भी बाकायदा लेक्चर रखेंगे, और इंटरव्यू से एक या दो दिन पहले बाकायदा लेक्चर रखेंगे, कोचिंग क्लास रखेंगे इस हवाले से कि इंटरव्यू का तर्ज क्या होना चाहिए, किस तरतीब से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, किस तरतीब से आपने जाना है, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन सी तरतीब व तरीके हैं कि एक इंटरव्यू में जो वाइटल रोल प्ले करती है, जनरल तैयारी के हवाले से नहीं बल्कि पर्सनैलिटी के हवाले से, साइकोलॉजी के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से, तो आप लेक्चर एब्सेंट करना ये कतन गवारा ना करें, एब्सेंट ना करें। और कमेंट सेक्शन में, ये भी आपके कमेंट सेक्शन की वजह से आज मैंने सीक्वेंस को तोड़कर, इस्लामियात को छोड़कर सब कॉन्टिनेंट को शुरू किया, तो आप जैसे स्टूडेंट, आप जैसे तलबा, आप जैसे मेरे सब्सक्राइबर अगर मुझे जो कमेंट्स करेंगे जिसमें आप और सबकी बेहतरी होगी तो इंशाल्लाह मैं उसको फॉलो करूंगा। एक बार फिर आखिर में आपको बताता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप और आने वाले लेक्चर से बर वक्त मुतला हो सकें।